लेकिन यार ये जिंदगी में पहली बार ले रहा हो यार, मतलब जमाना ऐसा आ गया कि आप इसको बना बना, पता नहीं यार ये कब का होगा, इसका एक्सपायरी। जूता बांधना बहुत मुश्किल होता है यार हर दिन। सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूँ आपको एक वापस से नया वीडियो में। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे। तो अभी जो टाइम बच गए है, ये देखिए अभी सुबह के 10:13 हो रहे हैं और अभी मैं ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। तो चलिए चाय बना रहा हूँ, चाय पी के निकलते हैं और ऑफिस में कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे। जूता बांधना बहुत मुश्किल होता है यार हर दिन। चलो शूज़ भी मैंने अब पहन लिया फटाफट, अब चलो लॉक करते हैं दरवाजे को। ये हो गया लोग, अब इसको अलविदा करते हैं, चलते हैं ऑफिस। काफ़ी धूप है यार और कोई लिफ्ट भी नहीं मिल पा रहा, कोई बाइक वाइक वाला आ नहीं रहा है, पैदल ही जा रहा हूँ। चलो यार लेट भी हो रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, 10:29, आधा घंटा बाकी है, नाश्ता भी करना है और काम पे भी बैठना है। तो चलो देखते हैं पहुंचते हैं कि नहीं टाइम पे, अगर लेट हो जाएगा तो नाश्ता नहीं करेंगे, डायरेक्ट खाना खा लेंगे यार। चलो बहुत धूप है यार गाइस, देखो दस तैतीस में पहुंच गया, यानी 10:30 बजे के करीब मैं पहुंच गया ऑफिस। चलो अब देखते हैं कैंटीन पहुँचे, कुछ मिलेगा तो खाएंगे यार। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना गाइस, और ऐसे ही धमाल करते रहेंगे, कमाल करते रहेंगे, हर वीडियो में कुछ ना कुछ जो है यूनिक करेंगे। अभी तो फ़िलहाल शुरुआत है यार, तो उतना आइडिया है नहीं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना आइडिया बताना। आइडिया बोले तो किस टाइप का वीडियो बनाया जाए, कौन सा टॉपिक पे, ठीक है। सो फाइनली ये है इंट्रेंस, अभी कैंटीन जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ कुछ मिलता है कि नहीं, अगर मिलेगा कुछ तो खाएंगे ज़रूर। तो फाइनली कैंटीन पहुँच गया हूँ मैं, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। ये ब्रेड है, समोसा है और ये कुछ ये सब चीज़ है, तो मैं तो ये एक ब्रेड पकौड़ा, एक है आपका चोकोलाव। सो अभी चलो बैठते हैं अपना फेवरेट जगह केक के पास, और ये कुछ लिया है मैंने, ये है आज का ब्रेकफास्ट, ब्रेड पकौड़ा प्लस चोकोलावा। तो चलो फाइनली खाते हैं गाइस बिना किसी देर किए हुए, क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल भी कम है, तो खा कर मिलते हैं। लिया यार अभी बाकी है 10:46 और, तो फटाफट चलते हैं और अंदर काम करने, यार लेट हो गया हूँ। सो फाइनली पहुँच गया ऑफिस, नौकर में जल्दी जल्दी लॉक करते हैं सामान, उसके बाद चलते हैं काम पे। तो चलो अब छुट्टी होगी हमारी, उसके बाद मिलते हैं। सो फाइनली गाइस हमारा जो है वो वक्त ख़त्म हो गया, रात के बज गए 8, ऑफिस से अभी निकला हूँ, निकला नहीं हूँ फिलहाल, अभी ऑफिस में ही हूँ। तो अब जा रहा हूँ बाहर, अब देखते हैं कुछ मार्केट वार्केट में सब्ज़ी वगैरह कुछ सामान जो होंगे वो हम लेंगे, चलते हैं बाहर। लिफ्ट आ चुकी है, हम कर गए एंटर लिफ्ट में। चलो फाइनली बाहर आ गया हूँ मैं। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखो हमारा ऑफिस है,
अभी इसको अच्छे तरीके से एक बार पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि रात हो चुकी है, लेट हो गया है, तो चलो इतना ही। बाकी किसी दिन मॉर्निंग में दिखाऊंगा पूरा, ब्लॉग एक आएगा ऑफिस टूर। ये रोड पे मैं आ चुका हूँ, अब यहाँ से मुझे पैदल जाने होंगे, क्योंकि यार इस वक्त कोई भी लिफ्ट नहीं देता है। दिन में तो मैं लिफ्ट लेकर आ जाता हूँ, लेकिन रात के टाइम में कोई भी लिफ्ट नहीं देता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो कितना खूबसूरत जो है कि वो लाइट वगैरह लगाए हुए है ट्री के नीचे, तो अच्छा लग रहा है, इससे खूबसूरत जो है कि माहौल बन जा रहा है यहाँ का। आ चुका हूँ मैं मार्केट में, यहाँ पे कुछ सामान मिल जाएंगे, मार्केट वगैरह है यहाँ पे, तो कुछ सामान ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ फटाफट रूम पे मैं। यहाँ पे कुछ सामान मिल रहा है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मुझे जाना है वो सामने की दुकान में जाना है। अभी मैं आ गया हूँ सुपर स्टोर में, और यहाँ पे सबसे जो है सुपर स्पाइसी एक मुझे नूडल्स दिखा, तो देखता हूँ इसकी कितनी जो है कि वो तीखापन इसके अंदर है। और एक लेता हूँ मैं मिनट खाना हल्दीराम का दाल तड़का विद प्लेन राइस, तो इसको ट्राई करके आज देखते हैं कि कैसा है। लो भैया इतना आप कर दो। तो फाइनली शॉपिंग वगैरह हो चुकी है, ज़्यादा बड़ा तो शॉपिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं लिया हूँ यहाँ पे सुपर स्पाइसी, अब इसको रूम पे जाकर ट्राई करेंगे। हम आ गए हैं सब्जी की दुकान पे, और ये भाई साहब देखो ये सब्जी वाला है हमारा, जो कि सब्जी देता है। हाँ जो तुम दे दो यार, ये बहुत क्यूट है, फूलगोभी 10 हाँ, ये वाला दे दो एकदम, और उसके साथ थोड़ा टमाटर मिर्ची धनिया बस, और एक नींबू भी दे देना भाई। टमाटर है, ये क्या है धनिया इतना, ये हमारे यहाँ फ्री में मिलता है। चलो ठीक, नींबू डालना है, कितना हुआ 10 रुपए। भाई साहब देखो कितना प्यारा है, इतना सामान दिया है मुझे 10 रुपए का, नींबू गोभी धनिया टमाटर मिर्च डाल दी भैया, मिर्च नहीं है तो कैसे होगा यार, थोड़ा दे दो जी, थोड़ी सी मिर्च डाल के जाओ जाओ शूट के। चलो 4-5 मिर्च की जरूरत है मुझे, 4-5 क्यों भैया यार, थैंक यू। सो फाइनली गाइज रूम पे मैं पहुंच गया हूँ अभी फिलहाल, अब चलते हैं खाना बनाने। तो खाने में मैं जो लाया हूँ वो दिखाता हूँ आपको कि क्या आज बनेगा खाने में। ये फूल गोभी का सब्जी बनेगा, और ये आलू है, इसी को मिक्स करके आज बनाऊंगा। और अभी मैंने बाज़ार से यार ये देखो ये आटा लाया था, तो पता नहीं अच्छा नहीं बन रहा था रोटी, तो ये आज लाया हूँ नया एकदम चक्की का आटा। तो चलिए फटाफट खाना बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पहले तो यार बर्तन वर्तन धुलने होंगे, ये सारे के सारे जो है वो गंदे हैं। चलो फटाफट पहले बर्तन धुलते हैं। कौन कौन रोज जो है खाना बनाते हैं जॉब पे से आकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और अपना नाम कि मैं यहाँ से हूँ और यहाँ रहता हूँ और मैं भी खाना हर दिन बनाता हूँ, तो कमेंट जरूर करना। ज्यादा नहीं रहता है बर्तन, बस इतना बर्तन हर दिन रहता है धुलने के लिए, अब ये धुल दिया, अब ये क्लियर हो गया। अब सब्जी वगैरह काटना है, उसके बाद सारे जो है कि वो बर्तन धुला गए। सो गाइज काफ़ी मेहनत करने के बाद खाना वाना जो है वो बन चुका है, आप देख सकते हो, मैं आपको खाना दिखाता हूँ। सो गाइज खाना बन गया है, अब खाते हैं फटाफट।
खाना खाने के बाद जो है वो आपसे मिलते हैं। यही मैं लाया हूँ यार, सुपर स्पाइसी दो प्रोडक्ट आज मैं खरीद के लाया हूँ। बेसिकली मैं वो आपको दिखाता हूँ कि क्या है, और ये जो आने वाले वीडियोस रहेंगे उसमें मैं इसको रिवील करूँगा सॉरी, इसको मैं इसका रिव्यू आपको दिखाऊँगा कि कैसा है कैसा नहीं। तो ये है आपका मिनट खाना दाल तड़का प्लेन राइस कॉम्बो मील है ये आपको। भाई साहब ये जो है कि बना बनाया खाना है यार, ज़िंदगी में पहली बार ट्राई करूँगा यार, और देखता हूँ इसका क्या है क्या नहीं। और इसका प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस है आपका 150 रुपये, लेकिन यार ये ज़िंदगी में पहली बार ले रहा हूँ यार, मतलब ज़माना ऐसा आ गया कि आप इसको बना बना, पता नहीं यार ये कब का होगा, इसका एक्सपायरी डेट कब का है यार, एक्सपायरी डेट देखते हूँ कब का है, 7/9/2023 है ये बना है, कब 8/9/2022 को बना है। भाई साहब यानी 1 साल तक नहीं ख़राब होगा, बताओ तो यार ये क्या ही इंसान खा के बनेगा कुछ यार। चलो तो ये प्रोडक्ट था एक, ठीक है, और दूसरा जो प्रोडक्ट है गाइस वो देखो ये सुपर स्पाइसी नॉन गिजिम, क्या मालूम क्या लिखा हुआ है, ये है आपको मेड इन कोरिया। तो इसको भी जो है इसका भी रिव्यू करेंगे, तो आप निश्चिंत रहें, इसका वीडियो भी आएगा और इसकी वीडियो भी सेपरेट सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस खाना वाना हो गया है, सब कुछ हो गया है, सब चीज़ इधर रखा गया देखो। तो चलो यार इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी ज़रूर कर देना यार, क्योंकि अभी मेरे पास यार एग्जैक्टली जो टाइम है वो मुझे नहीं मिल पा रहा है कि मैं कुछ बढ़िया सा कंटेंट डालूँ। तो जो अभी मेरे पास फ़िलहाल के लिए जैसे मैं शूट कर पा रहा हूँ एडिट कर पा रहा हूँ वही मैं वीडियो इस पर अपलोड कर रहा हूँ। तो गुजारिश यही करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे कनेक्टेड।